दोस्तों, आज हम बनाएंगे हलवाइयों जैसी लच्छेदार रबड़ी। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। मैंने गैस ऑन कर ली है, स्टोव पैन रख दिया है। अब हम 2 गिलास दूध लेंगे, इसे पैन में डालेंगे। मैंने 2 गिलास दूध लिया है, ये मलाई दूध की है। अब इसे हम चलाते रहेंगे, ऐसे चलाएंगे इसे कम से कम जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। जब हम हलवाई जैसी रबड़ी बनाते हैं तो उसमें मिल्क पाउडर यूज करते हैं उस रबड़ी बनाने के लिए, लेकिन हम मिल्क पाउडर यूज नहीं करेंगे, हम कुछ और ही यूज करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मैंने बोला था ना कि हम इसमें कुछ और डालेंगे मिल्क पाउडर की जगह पे, तो देखो क्या डालते हैं हम। हमने 2 गिलास दूध लिया है, तो हमें 2 चम्मच ही आटा लेंगे। ये चक्की का आटा है, घर का आटा। आप जितने गिलास दूध लो उतना ही चम्मच की क्वांटिटी बढ़ा देना। हमने 2 गिलास लिया था, 2 चम्मच ही आटा लेंगे। इसे मिला लेते हैं हम। इसे हम दूध से ही मिला लेंगे, इसका पतला सा घोल बना लेंगे। इस तरीके से गुठली लम्स नहीं पड़नी चाहिए इसके अंदर, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही मिलाना। एक साथ डाल दोगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि कैसी बनेगी रबड़ी, लेकिन आप भी घर पर ट्राई करना, खाना फिर बताना कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनती है, उंगली चाटते रह जाओगे। ऐसी बनेगी कि हलवाई की रबड़ी खाना भूल जाओगे। देखो दोस्तों, हमारे दूध में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और देखो, हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया। देखो कितनी अच्छी रबड़ी बन रही है हमारी। और अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर, मेरे पास केसर की नहीं है, इसलिए मैं वो केसर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। देखो कितना अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हमारी रबड़ी बनी है। देखो इसकी थिकनेस कितनी अच्छी आई है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। मीठा कम डालना। हमने आधी कटोरी चीनी ली है, इसको डाल देते हैं। आपको जितनी मीठा पसंद है आप उतना डाल सकते हो। वैसे रबड़ी थोड़ी मीठी ही होती, कम मीठी होती है। दो 3 मिनट तक और चलाएंगे। हमारी देखो कितनी गाढ़ी रबड़ी बन गई। और चलाएंगे और ये गाढ़ी हो जाएगी और भी ज्यादा। इस जितना हम चलाते रहेंगे हमारा दूध उतना ही गाढ़ा होता जाएगा और हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अब हमारी ये रबड़ी गाढ़ी हो चुकी है। चीनी मिलाने के बाद हमें इसे बस 1 मिनट तक और उबालना है। देखो इसमें बबल्स ऊपर आने लगे, तो इसका मतलब है हमारी रबड़ी तैयार हो गई।
हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये गाढ़ी हो जाती है। इसलिए अब हमें हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, ये ठंडी होने के बाद में और गाढ़ी हो जाएगी। देखो कलर भी कितना अच्छा आया हमारी रबड़ी का। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि रबड़ी कैसी बनी है, और अपने घर पर ट्राई कीजिए। रबड़ी, घर की रबड़ी तैयार हो गई, हलवाइयों से भी अच्छी।